أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما Honorable students, ये मैं पहली वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करता हूँ कि मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, ये कायनात की ज़बान है। यानी अगर आपने कायनात को समझना है तो आपको मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा। ये जो मैंने आयात पढ़ी हैं सूरह अलक की, पहली पाँच आयात, ये वो पाँच आयात हैं जो हमारे प्यारे नबी हादी आलम खातमुन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली पांच आयात ये मबूस हुई थी। पहली दफ़ा ये जो पांच आयात हैं इनमें 19 लेटर्स यूज़ हुए हैं, 19 लेटर्स। ये जो 19 का नंबर है, ये मैथमेटिकल नंबर है, इसमें आप देखें कितना खूबसूरत नंबर है। पहला डिजिट 1 है और लास्ट डिजिट 9 है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजती हिसार है, ये कोड है मैथमेटिकल। और ये कोड जो है कुरान पाक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। मसलन ये जो पहली पांच आयात नाजिल हुई हैं, पहली वही जो नाजिल हुई है, इनमें 19 लेटर्स थे। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसमें टोटल हरूफ 19 हैं। इसके अलावा जो जितनी ये जो सूरह अलक है, ये लास्ट से अगर आए सूरह नास की तरफ से तो ये 19वीं सूरत बनती है। इसी तरह अगर शुरू से आए अलहम शरीफ और सूरह बकरा की तरफ से तो इससे पहले 95 सूरह है, और 95 जो है वो 19×5 है। इसी तरह इस सूरत के जो कुल हरूफ हैं वो भी 19 का मल्टीपल है, वो मेरा ख्याल 304 है, वो 19 का मल्टीपल है। और इस सूरह की, सूरह अलक की टोटल आयात भी 19 हैं। तो ये इतना खूबसूरत पैटर्न जो है ये आपको कुरान मजीद में 19 का और बहुत ज़्यादा जगह पे नज़र आएगा। जो सूरह हरूफ मुकत्तआत से शुरू होती हैं, जिनको इंग्लिश में डिसजॉइंट लेटर्स कहते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम मीम हामीम आइन सीन कौफ, ये सारी सूरह जो हैं अगर इनके तमाम लेटर्स लिखे जाएं, ऐड किए जाएं, तो वो भी सारे 19 का मल्टीपल है। 19 जो है वो कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल हुआ है। तो इसी तरह इस इन पांच आयात में अल्लाह पाक ने इंसान को क्या समझाया है कि इंसान की जो फजीलत है वो इल्म की बुनियाद पे है। तो इल्म सीखना हम तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज है, तो आप तमाम तलबा इल्म के हसूल में बिल्कुल परेशान न हुआ करें। उसमें आपको बहुत ज़्यादा जज्बा शो करना चाहिए कि ये हमारे ऊपर फरीज़ा है। और अगर आप इल्म हासिल नहीं करेंगे तो यहूदी कौम को देख लें, वो इस इल्म की बुनियाद पे पूरी दुनिया को उसने आगे लगाया हुआ है, अपनी शरारतों की वजह से, अपनी खवास्तों की वजह से। तो जब तक हम लोग इल्म हासिल करके आगे नहीं बढ़ेंगे, हम हमेशा इसी तरह ज़ीरो ख्वार रहेंगे। तो मेरी तमाम तलबा से ये गुजारिश है कि ये लॉकडाउन के दिनों में घर बैठ बैठ के आप सुस्त ना हो। आप घर में जब बैठे होते हैं तो 100 मसाइल भी होते हैं आपस में, ख़ानदान वालों की, मतलब वालदैन की और बहन भाइयों की छोटी छोटी बातों पे खफगी भी हो जाती है। तो वालदैन का हद दर्जा एहतराम करें, यह आपके ऊपर फ़र्ज़ है, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। छोटे बड़े बहन भाइयों का एहतराम आपके ऊपर फ़र्ज़ है। तो घर रहते हुए घर के कामों में दिलचस्पी लें, अपने मामूलात को बेहतर करें। उसमें ये बेवक्त की टाइमिंग की कि जिस वक्त मर्जी सो जाएं, जिस वक्त मर्जी उठ जाएं, नाश्ता कभी 10 बजे हो रहा है, कभी 9 बजे हो रहा है, कभी 1 बजे हो रहा है, ये आपकी बॉडी के लिए और आपके
जिस्म के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। इसमें आप अपनी बॉडी को भी लूज़ कर देंगे, अपनी जो अंदर आपकी इम्यूनिटी है उसको भी डिक्रीज़ कर देंगे, और आपके अंदर जो एक विल पावर है वो भी आप ख़त्म कर देंगे। तो मैंने जो सिंप्लेक्स मेथड शुरू किया था वो आपको समझ नहीं आया तो उसको मैंने वीडियो बना के उसकी कुछ 3-4 पार्ट्स करूँगा, उससे समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतरी होगी। तो आप सब लोग नमाज की पाबंदी करें, घर वालों का एहतराम करें, उनके कामों में हेल्प करें, और अपनी स्टडी की तरफ बिल्कुल अलर्ट रहें, और बड़ी यकसुई के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कल भी आपको क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश की थी व्हाट्सएप पे, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी आपकी तरफ से, इसलिए मैं दोबारा इसकी वीडियो बना के इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैक्सिमाइज जी इक्वल टू 5x1 4x2 सब्जेक्ट टू एसटी लिख देते हैं। 6x1 प्लस 4x2 लेस दैन इक्वल 24, x1 प्लस 2x2 लेस दैन इक्वल 6, माइनस x1 प्लस x2 लेस दैन इक्वल 1, x2 लेस दैन इक्वल 2, वेयर x1 x2 ग्रेटर दैन इक्वल 0। ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं। तो सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ये इक्वेशन आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ सारी, जी माइनस 5x1 माइनस 4x2 इक्वल 0। इसके बाद 6x1 और प्लस 4x2, इसमें आपने x3 ऐड कर देना है यहाँ पे, इसको इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। प्लस x3 इक्वल टू 24, इसमें प्लस x4 इक्वल टू 6, इसमें प्लस x5 इक्वल टू 1, और इसमें प्लस x6 इक्वल टू 2। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने से पहले और सिंप्लेक्स शुरू करने से पहले आपने ये देखना है कि तमाम कंस्ट्रेंट्स लेस देन आर इक्वल फॉर्म में हैं, तमाम कंस्ट्रेंट लेस देन आर इक्वल फॉर्म में हों, और राइट हैंड साइड सारे के सारे कांस्टेंट पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, जीरो हो सकता है, नेगेटिव ना हो। इसके बाद जब आप ये देख लें कि ये नेगेटिव नहीं है और ये लेस देन इक्वल है, तो उसके बाद आपने ये मेथड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो का साइज छोटा करने के लिए तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 2 हिस्सों में। अब ये देखें, जब आपका ये टेबल कंप्लीट हो गया है तो इसमें आपने z जो है इसमें लिखा है z, और ये माइनस 5 माइनस 4 0 0 0 0, इसके बाद ये 6, मेरे ख्याल ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, सिंप्लेक्स स्टार्ट करना है सॉरी। तो सिंप्लेक्स में z रो, ये z रो है, प्यार से z रो कहेंगे, z रो में मोस्ट नेगेटिव, ये m नेगेटिव लिखा हुआ है, m नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव 5 है। अगर क्वेश्चन हो मैक्सिमाइज का, तो मोस्ट नेगेटिव देखना है यहाँ पे, और अगर क्वेश्चन हो मिनिमाइज का तो मोस्ट पॉजिटिव इधर देखना है, यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव देखना है इन केस ऑफ मिनिमाइज, और मैक्सिमाइज में उलट कहना है आपने, क्योंकि मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू माइनस 5 है, तो ये बन गया आपका एंट्रिंग वेरिएबल x1, x1 कहलाएगा ev एंट्रिंग वेरिएबल माइनस 5, ये माइनस 5 एंट्रिंग वेरिएबल। अब जब ये तय हो गया कि ये एंट्रिंग वेरिएबल है, तो ये पूरा कॉलम, ये कॉलम कहलाएगा की कॉलम, ऊपर लिख देता हूं की कॉलम, ये वाला कॉलम, ये x1 वाला कॉलम की कॉलम कहलाएगा। ये मैंने कुछ कोड वर्ड लिखे हुए हैं अपने लिए आसानी। ये 6 पिवट एलिमेंट है, तो अब जब पिवट एलिमेंट आपको क्लियर हो गया है, इसको आपने गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करना है, और गॉस जॉर्डन मेथड क्या है, यहाँ पे आप 1 बनाएंगे, और 1 बना के इस कॉलम में इसके अबव और इसके बिलो तमाम एलिमेंट को 0 करेंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो को 6 पे डिवाइड करेंगे, ये मैंने लिख दिया है 1/6 r2, ये लिखा है 1/6 r2। इसके बाद आप देखें यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब ये कैसे 0 होगा, इसकी मदद से, इसको मैं 6 पे डिवाइड करूँगा तो ये 1 बन जाएगा, और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 5 बन जाएगा, और फिर इसको इसमें ऐड करूँगा तो ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। समझ आ रही है आपको, यानी मैंने इसको 6 पे डिवाइड किए बगैर इसको 0 बनाना है, तो इसको 6 पे पहले इसको 1 बनाऊँगा वर्बली,
तो इसको 6 पे डिवाइड करूंगा, ये 1 बन जाएगा, तो ये बन गया 1/6 R2, और फिर इसको